हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिक। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है बेसिकली ट्रिक नंबर 7। और ये जो ट्रिक है वो है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। आप मॉडर्न फिजिक्स में भी इसको देखोगे इसका जो यूज है, और आप जो है केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी इसका यूज आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि ये दोनों पर्पज को सॉल्व करेगा। और आपने अगर इसको सीखा तो चाहे केमिस्ट्री में आए चाहे फिजिक्स में आए, जहां भी आए आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में निपटा दोगे। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए ये ट्रिक मैंने बनाई है। और उम्मीद करता हूं यार आपको ये ट्रिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके क्वेश्चंस को चुटकियों में निपटाएगी। अब यार थोड़ा सा देखो, बेसिकली आपने यहां पर देख रहे होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको जो बनाने का जो रीजन था वो ये था कि आप जो ट्रिक है उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाए। अब हमें शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है तो शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक की वीडियो को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने के लिए हमने ये पहले से आपको यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना दिया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर आपकी सारी सीरीज हैं, चाहे वो लाइमन हो चाहे वो बार्मर सीरीज हो, पाशन हो, ब्रैकेट हो, पीफन, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी सीरीज यहां पे ऑलरेडी बना दी है। मैं इसको समझा देता हूं मैंने क्या बनाया है, अगर जिसको आता है वो दोबारा समझ लो। और हम जो है इसमें जो सीखने वाले हैं ट्रिक, वो सीखने वाले हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने की ट्रिक्स, ठीक है। तो वो फटाफट कैसे निकालें बिना किसी फॉर्मूले के, वो कैसे सीखें, वो कैसे निकालेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको जो यहां से बेसिकली इसको आगे बढ़ाने से पहले जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे जितने ज्यादा बच्चों तक और पहुंचेगी, चाहे आपके कॉलीग्स हो, चाहे आपके वो क्लासमेट्स हो, ट्यूशन मेट्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करोगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो उनकी तो हेल्प होगी ही, साथ में मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा अंदर से और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी जल्दी लाने के लिए, फ्रीक्वेंटली लाने के लिए। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये आपका मल्टीपर्पज टॉपिक है, दोनों सब्जेक्ट में फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री क्वेश्चंस दोनों में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहां पर इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपका n इज इक्वल टू, देखो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है सबसे ऊपर, n इज इक्वल टू 7, 6, 5 अलग अलग सेल्स हमारे हैं। तो यहां पर बेसिकली देखो मुद्दा क्या होता है कि ये जो लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में आती है, ये आपकी विजिबल रीजन में आती है, बाकी सारी की सारी इंफ्रारेड रीजंस में आपकी आती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वो एमिसन स्पेक्ट्रम के बारे में मालूम है कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, तो थोड़ा आपको पता होगा। अगर आपने थोड़ा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कभी मॉडर्न फिजिक्स में आपने अगर मेरे लेक्चर देखे हैं तो मैंने वहां भी बताया था। अब आप यहां देख सकते हो कि अलग अलग सेल्स हो गए आपके, लाइमन, बार्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। तो बेसिकली यहां पर देखो आप ऐसे समझ लो कि जब भी आपका पार्टी जब भी आपसे पूछा जाए कि लाइमन सीरीज, या फिर आपसे पूछा जाए कि विजिबल नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी, तो आप क्या बताओगे? बार्मर के बारे में, यूवी लाइन कितनी होंगी तो लाइमन के बारे में, और इंफ्रारेड पूछी जाए तो ये सारी है ना। तो ध्यान रखना है ये चीज। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ टोटल, देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एन इज इक्वल टू 7 to n = 1 पूछी जा सकती है। तो वो तो अभी हम सीखेंगे उसका क्या ट्रिक है, और बेसिकली वो तो ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इंफ्रारेड वाली जो है लाइंस बताओ कितनी होंगी। तो आप कैसे बताओगे? वो बताओगे आप इनके हिसाब से कि कितनी पाशन है, कितनी ब्रैकेट है, कितनी पीफन है। यही तो कमाल है उस ट्रिक का, आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें कितनी आपकी जो लाइंस है वो कौन सी है, ठीक है। ये ही वो ट्रिक है, वही कमाल है, ठीक है। चलो वही देखते हैं, काफी ज्यादा आपके लिए मजेदार वो होने वाली है। इसको रफ कर देता हूं और फिर उसके बाद हम उसी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निपटाएं। देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, या आपको नॉर्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मली आप इसको करते, फिर मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा कि हमारी ट्रिक क्या हो सकती है उसको 5 या 10 सेकंड में निपटाने के लिए। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेसिकली मुद्दा क्या है, जैसे मान लो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सपोज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला बता देता हूँ या नॉर्मल तरीका बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लो 7 से 2 तक ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका 7वें सेल से दूसरे पर आ रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ साहब कि आपका, जैसे मान लो 7 से दूसरे पर आ रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ यहां पर कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपका अगर ये 7 से 2 तक पूछा जा रहा है, तो यहां पर हम 7 से 2 के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, 7 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, 7 माइनस 2। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6,
अपॉन 2, यानी कि ये आंसर हमारा कितना आ रहा है 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 15 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारी अगर आप 7 से 2 तक चलोगे तो वो 15 आ गई, मतलब टोटल चाहे वो उसमें बाल्मर हो, पाशियन हो, ब्रैकेट हो, पी फंड हो, हम्फ्री हो, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है। अब ये फॉर्मूला जो है पहली बात तो याद नहीं रहता है बच्चों को, आपको याद नहीं रहेगा पेपर में, क्योंकि पेपर में ना इतनी सारी स्ट्रेस रहती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जानना। अब ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा कि आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाकर देखने बैठ गए, ऐसा भी नहीं करोगे आप, गलती होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ऑप्शन क्लोज होंगे 13, 14, 12, 15। अब एक भी लाइन गलत चली गई तो हो गया कबाड़ा। और फिर ऐसे सरल क्वेश्चंस में भी अगर हमने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए तो क्या होगा हमारा, मतलब रैंक तो छोड़ो सिलेक्शन भी मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको ट्रिक सीखनी है, तो वो ट्रिक क्या है उसको सीखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक सीखने से पहले मैं आपको एक और जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या है, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ से वो फॉर्मूला पता चल जाएगा कि वो क्या फॉर्मूला है जो आपने ज़िंदगी में आज तक पढ़ा है। ठीक है, तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा इस तरीके से कि N2 अगर हमारा कुछ भी है, मान लो N है, लेकिन N1 अगर हमारा ना ग्राउंड स्टेट पर है, 1 है, तो उस केस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा N2-1 और ये हो जाएगा फिर हमारा, सॉरी N2 की जगह N ही रखो, और ये हो जाएगा हमारा N-1+1 डिवाइडेड बाई आपका 2। तो आपने देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो आपका एक फॉर्मूला बन के आया n n-1/2। तो ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा n n-1/2। तो ये जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली ये फॉर्मूला आपका कब यूज होता है, जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी n सेल से किसी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड स्टेट पर आ रहा होता है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो पढ़ा है वो उसमें लिमिटेशन क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट पर ही आएगा। अगर मान लो क्वेश्चन मान लो एम्स में या फिर मान लो IIT के एडवांस में या फिर मान लो JEE या NEET में भी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अगर आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो ना लो आप और उसकी जगह पर आपने कोई और सेल ले लिया, तो गए आप, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि ये आंसर भी बहुत पहले दिया गया होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मान लो 7 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है तो उनको नहीं पता रहता, तो वो क्या करते हैं 7 में से 2 घटा के 5 और 5 को यहाँ पर लिख के आंसर जयराम जी की, हो गया काम, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखो ऐसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, आता है तो ही करो। ठीक है, अब यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्मूला, अभी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि वो ट्रिक क्या है जिसकी मदद से आप उसको चुटकियों में 5 सेकंड 10 सेकंड में और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक सीखने से पहले लाइक कर देना तभी आगे बढ़ना। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर ट्रिक सीखने वाले हैं। देखो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो बेसिकली ट्रिक क्या है, अब उसी ट्रांजिशन को देखते हैं, 7 से 2 इलेक्ट्रॉन हमारा वही 7 से 2 पर जा रहा है। अब मुद्दा क्या है, अब इस ट्रिक का फायदा क्या है, इस ट्रिक में ना आपको एक तो टाइम नहीं लगेगा, दूसरा जो फायदा यह है कि इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कितनी विजिबल लाइन, कितनी इंफ्रारेड या फिर कितनी बार्मर, कितनी पाशियन, कितनी पीफन, वो सब भी। तो अगर आप यहां पर देखें तो आप देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 5। ठीक है, ट्रिक सीखो कैसे होगा, जो भी अपर सेल है उसमें से लोअर सेल वाले नंबर को माइनस कर दो तो 5 आया। तो ये जो 5 है इसको आप ओपन कर दो, देखो कैसे करोगे, 5 को जो ओपन करोगे वो आप करो इस तरीके से, 5 को आप ओपन कर दो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इस तरीके से, मतलब 1 तक लेकर जाना है आपको हमेशा। ठीक है, और इनको जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, आंसर आया 15। देखा आपने कितनी आसानी से हमने कर दिया, फॉर्मूला याद हो ना हो नेगेटिव मार्किंग होने के चांस ही खत्म। भाई करना क्या था, माइनस करना था, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लो इस ट्रिक की, ये ट्रिक सिर्फ यहीं पे फिनिश नहीं होती है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखो यहां पर आप एक चीज और समझो,
कि यहां पर ये जो दो नंबर जो दो है आपका, ठीक है, यहां पर जो आप नंबर दो देख रहे हो, बेसिकली यहां पर मुद्दा क्या है कि ये जो दो नंबर आप यहां पर देख रहे हो वो नंबर क्या है, बेसिकली वो लोअर सेल है, मतलब जहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन आ रही है। और आपको पता है कि अगर पहले सेल पर आ रही होती तो लाइमन सीरीज होती, दूसरे पर बार्मर होती है, फिर तीसरे पर आपकी अलग अलग सीरीज पाशन ब्रैकेट पीफन हम्फ्री ऐसे होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये भी पता चल गया, क्या पता चल गया कि आपका जो, देखो ध्यान रखना, अगर दूसरे पर आ रही है तो मतलब बार्मर सीरीज है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि पांच लाइन आपकी बार्मर की होंगी और फिर उसके बाद जितनी सीरीज आ रही है वो सब आप लिखते जाओ। तो आपको ये भी पता चल गया इंडिविजुअली कि कितनी लाइंस आपकी किसकी हैं। तो देखो इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं। देखो आपकी यहां पर पहली तो बार्मर की हो गई, ठीक है, उसके बाद चार आपकी किसकी हो गई, ब्रैकेट की, फिर ऐसे ही आपकी अगली, फिर ऐसे ही आपकी वन तक आप पी फंड हम्फ्री तक पहुंच चुके हो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली बार्मर के बाद आप यहां पर देख सकते हो कि ये हमारी जो चार लाइन होंगी, फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है, मान लो आपकी पाशन, ऐसी ब्रैकेट, ऐसी पी फंड, ऐसी हम्फ्री, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर मिल चुकी है। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि बताओ कितनी यहां पर लाइन विजिबल है, अगर आपसे इसमें और क्वेश्चन थोड़ा कठिन पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइन कितनी होंगी, तो कितनी सेकंड में बताओगे, मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कितनी होंगी विजिबल, सिर्फ 5, क्यों, क्योंकि आप जानते हो बार्मर सीरीज ही विजिबल होती है। आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इंफ्रारेड बताओ, तो कितनी होंगी, जितनी भी बची हुई है वो सब इंफ्रारेड है, टोटल 15, 15 में से 5 गए तो 10, ये सारी इंफ्रारेड होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके और भी डीप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर चुटकियों में हो गए। तो ये होता है ट्रिक्स का कमाल। अगर आपको ऐसी सारी ट्रिक्स सीखनी है और आप नेक्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हो तो आपको हेलो बच्चों ऐप पर इनरोलमेंट ले लेनी चाहिए नेक्स्ट कोर्सेस में। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ एक ट्रिक या दो ट्रिक या 10 ट्रिक से कुछ नहीं होगा, आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे इसी तरीके से तो ही आपको कुछ बात बनेगी, तो ही आप स्कोर कर पाओगे, रैंक ला पाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सीखा, टोटल नंबर ऑफ विजिबल, टोटल नंबर ऑफ इंफ्रारेड। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी चीजों को निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ आपसे पूछा जाए यूवी, तो 0 है क्योंकि लाइमन में एक भी नहीं है। जहां ये आपका पहला जो होगा वो वही होगा जहां पर आपका ये लोअर है, ठीक है, जो आपकी सीरीज में जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही आपका यहां पर पहली सीरीज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा था। अब मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो बोनस क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, 100 ट्रिक की वीडियो तो कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको सीखने में आ चुका है तो। अब क्वेश्चन कर जाओ तो आपको और ये लंबे समय तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप ये देख सकते हो कि, ठीक है, तो यहां पर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन आपके कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर जो लाइन है वो आपकी और भी आप ले सकते हो। मान लो आप जो है टोटल नंबर ऑफ लाइन लेना चाहते हो 8 से 2, आपने ट्रांजिशन कराया 8 से 2, तो इसमें वही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा 8 से 2 का आंसर, देखो बताओ कितना होगा, 8 में से 2 गए तो 6, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 5 सेकंड में तो आपने कर दिया। मतलब ये नहीं होना चाहिए और बच्चों की तरह कि पहले सोच रहे हो कि क्या लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड में तो आपका आंसर आ गया OMR फिल, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर आंसर कितना आया, 6 और 5 11, 11 और 4 15 18 20 21, आंसर आ गया 21। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, 21, अगर ट्रांजिशन 8 से 2 हो रहा है। तो क्वेश्चन आएगा, बड़ा सा लैंग्वेज बन के आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 8वें से 2 सेल, आपको वही सेंस समझ में आ जाएगा कि 8 से 2 जा रहा है, करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि माइनस कर दो और सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। अच्छा, दूसरे पर जा रहा है मतलब पहला आपका बार्मर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही आप एंड तक करते जाओ, है ना, वही जो काम अभी हमने किया था, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये हो गया, अलग अलग सीरीज आपकी हो जाएंगी, ठीक है, पी फंड हम्फ्री, इस तरीके से आपका यहां पर ही अलग अलग हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइन है हमारी 6। आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंफ्रारेड कितनी है, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके जो आंसर से चुटकियों में आ रहे हैं, ठीक है। तो यही खास बात होती है किसी भी ट्रिक की, ठीक है ना। जैसे हमने पहली ट्रिक सीखी, हमारी इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। दूसरी हमने सीखी ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट डॉपलर। तीसरी हमने सीखी SHM, है ना। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी ट्रिक सीखी है, तो ये भी उसका एक बहुत बढ़िया हिस्सा है, क्योंकि और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोनों में आता है, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो यहां पर अब हम यहां पर और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और भी ट्रांजिशन के क्वेश्चन कर सकते हो, पर घुमा फिराकर वही आने वाले हैं, तो इसीलिए यहां पर ऐसे सोचने की इसमें जरूरत यहां पे नहीं है, ठीक है। तो चलो
थोड़े से और क्वेश्चन यहाँ पर मान लो अगर हमने और क्वेश्चन करे तो और क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो सकते हैं तो वो देख लेते हैं। बेसिकली आपको देखो ट्रांजिशन 7:1, 5:1 इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लो आपको ट्रांजिशन दिया गया, मान लो आपको यहाँ पर इस तरीके से कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन करा देता हूँ, तो कहते हैं थोड़ा कठिन वाला, ठीक है। तो मान लो अब की बार थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया, ये मान लो एडवांस में आ गया या एम्स में आ गया या किसी और एग्जाम में भी आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उस केस में कैसे करोगे। मान लो आपको ट्रांजिशन दिया एंड सेल टू फर्स्ट सेल, ठीक है, आपको नहीं बताया कि कौन सी है nth सेल, आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो nth सेल से फर्स्ट सेल तक ट्रांजिशन करता है, और फिर आपसे कहा कि फोर पार्शियल लाइंस आर फॉर्म्ड। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होती ना ये वाली, तो इस क्वेश्चन को करने में आपकी हालत खराब हो जाती और आपका गलत भी हो सकता था, पूरे पूरे चांसेस हैं। चार पार्शियल लाइन आपकी फॉर्म करी गई हैं nth सेल से फर्स्ट सेल तक ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइंस, जल्दी से बता दो आंसर क्या है कमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट्स में आंसर बता दोगे। अगर देखो ट्रांजिशन हमारा किससे किस पर हो रहा है, एन सेल से वन तक हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एन टू वन ट्रांजिशन हो रहा है, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारा एन माइनस वन करना पड़ेगा हमें, है ना। जैसे हम सेवन से दो कर रहे थे तो सेवन माइनस टू करा था। अब यहां पर देखो जैसे हमने सेवन से दो तक ट्रांजिशन किया था, तो हम यहां पर सेवन में से दो घटा रहे थे तो आंसर पांच आ रहा था, और हम कर रहे थे कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि हम एंड तक पहुंच रहे थे दो और एक तक। तो ऐसे ही जब हम एन में से ये घटाएंगे, फिर अगला जो आएगा हमारा कितना आएगा, एन माइनस टू आएगा, फिर ऐसे ही एन माइनस थ्री आएगा, तो ऐसे ही आपका ये डैश 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 कहां तक आएगा, दो तक और एक तक आएगा, है ना, टू तक और वन तक आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ट्रांजिशन हो रहा है पहली सेल तक, और पहली होती है लाइमन, यानी कि ये वाली जो जितनी भी होंगी वो लाइमन होंगी, ये वाली आपकी बार्मर सीरीज होगी, और ये वाली हमारी पार्शियल सीरीज होगी। और यही क्वेश्चन ने कहा है कि चार पार्शियल लाइन हमें मिल रही है, इसका मतलब जो n माइनस थ्री की जो वैल्यू है वो चार है, यानी कि n की वैल्यू सेवन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा होगा वो सेवन से वन कर रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइन क्या है, हमारा सेवन से वन कर रहा है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और हमारा जो आंसर है आप देख सकते हो कि कितना आ जाएगा। अगर 7 से 1 ट्रांजिशन हो रही है तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 में से 1 घटा दो, 7 में से 1 गया तो आपका आंसर 6, यानी कि 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि हमारा पहला हो गया लाइमन, तो दूसरा हो जाएगा बार्मर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइंस हमारी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइंस हमारी 5 होंगी, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो कि कितनी आसानी से हम चीजों को यहां पर सॉल्व कर पाए, जो टोटल नंबर ऑफ विजिबल लाइंस है वो 5 है। इंफ्रारेड पूछे तो 4 + 3 + 7 + 9 = 10, यानी कि 10 हमारी ऐसी लाइंस हैं जो इंफ्रारेड में लाई करती हैं, और जो यूवी में लाई करती हैं वो 6 हैं। तो आप देखो इतनी छोटी सी ट्रिक से हमने कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में निपटा लिया, हमने दो पर्पज सॉल्व करे, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं यार आपको समझ में आया होगा, और आपके जो है यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो कमेंट में बताएं मुझे कि हाँ सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, वी आर लकी इनफ टू गेट दिस ट्रिक, ठीक है। और आप जो है कमेंट में मुझे अपने सुझाव बता सकते हो, सजेशंस बता सकते हो, एज वेल एज आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, आपको ट्रिक की वीडियो चाहिए, आपको वन शॉट वीडियो चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन पहले चाहिए, या आपको क्या पहले चाहिए, वही आपका यहां पर आता रहेगा पहले, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आया होगा, और आप जो है अब आगे से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से चुटकियों में निपटाओगे, और बच्चों की तरह 1-2 मिनट पढ़ने में नहीं सोचोगे, सीधे कर दोगे 5 से 10 सेकंड के अंदर विद OMR, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे, हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत। जाने से पहले एक और चीज कि हेलो बच्चों ऐप को डाउनलोड कर लेना, हेलो बच्चों ऐप के ऊपर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, एज वेल एज मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके हर एग्जाम मतलब हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें सारी सब्जेक्ट होंगी, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अभी पेपर देने वाले हो 1-2 महीने बाद बिटसेट का, जेई का, मतलब या फिर आप नीट का, तो आपके लिए डू ऑर डाई कोर्स भी वहां पर अवेलेबल है, जिसमें आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़कर काफी सारा स्कोर, अच्छा स्कोर और बढ़ा सकते हो, और वन शॉट वीडियोस देखते रहिए, स्कोर बूस्ट करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ अगेन, ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।